केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या की गई, जिससे हर कोई दंग है। इस हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा राजस्थान पुलिस की रडार पर है। संपत फिलहाल बडिंडा की केंद्रीय जेल में बंद संपत नेहरा है और पुलिस को शक है कि उसने ही जेल में बैठकर सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या की पूरी साजिश रची। सूत्रों के मुताबिक नेहरा ने 10 महीने पहले ही गोगा मेड़ी की हत्या की साजिश रची थी, जिसे मंगलवार दोपहर को अंजाम तक पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार संपत नेहरा पर कुछ साल पहले आरोप लगे थे कि उसने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की रेकी करवाई थी। ऐसे में हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस का संपत पर शक गहरा गया है और वो उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेने की तैयारी में है। दरअसल गैंगस्टर संपत नेहरा को लॉरेंस विश्नोई का राइट हैंड माना जाता है, तो वहीं वो चंडीगढ़ स्थित DAV कॉलेज में लॉरेंस विश्नोई का जूनियर था। लॉरेंस के साथ ही उसने छात्र राजनीति में कदम रखते हुए आगे चलकर जुर्म का रास्ता पकड़ लिया। लॉरेंस के इशारे पर उसने दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में कई वारदातों को भी अंजाम दिया। संपत के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश और फिरौती से जुड़े दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उत्तर भारत में जुर्म को अंजाम देने के बाद वो दक्षिण भारत जाकर छुप जाया करता था। तो मैं आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के विरोध में पूरे राजस्थान में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पुलिस महकमा अलर्ट पर है। पुलिस ने गोगा मेड़ी के घर में घुसकर उसे गोली मारने वाले दो जयपुर में 5 दिसंबर को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जयपुर के श्याम नगर इलाके में स्थित गोगा मेड़ी के घर में घुसकर उन्हें गोली मारी गई थी। गोगा मेड़ी को तुरंत जयपुर के एक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए गोगा मेड़ी पर गोली चलाने वाले दोनों हमलावरों को अब पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी की पहचान नितिन फौजी और रोहित राठौर के रूप में हुई है। इनमें से नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि रोहित राठौर मकराना का रहने वाला है। हालांकि पुलिस ने इन दोनों की गिरफ्तारी की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।